निगाह अगर मेहरबान हो जाए कहिए सुभान अल्लाह। हाथ को बुलंद करें और सुभान अल्लाह। तेरी निगाह अगर मेहरबान हो जाए, तेरी जमीन अभी आसमान हो जाए, जमीन तो ये जमीन अभी आसमान हो जाए, तो ये जमीन अभी 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 आसमान हो जाए। तेरी निगाह अब एक शेर सुनिए हुजूर, देखिएगा गमों की धूप का, गमों की धूप का मुझ पर असर नहीं होगा, गमों की धूप का शिखर फरमाए, गमों की धूप का मुझ पर असर नहीं होगा अगर तुम्हारा करम साहिबान हो जाए, अगर तुम्हारा करम, अगर तुम्हारा करम साहिबान हो जाए, अगर तुम्हारा, अगर तुम्हारा करम साहिबान हो जाए, अगर तुम्हारा, एक शेर मैं और पेश करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मुझे खुशी हासिल हो रही है कि आप आइए तशरीफ रखें। इस बच्चे ने तकरीबन मैं समझता हूँ कई सौ फोन मेरे पास किए और मुझे मजबूर कर दिया आज के इस इजलास में, जलसे में आने के लिए। न हमारे यहाँ इलेक्शन है और हमारे कई दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, मौका नहीं था, मगर इनकी मोहब्बतें मुझे खींच के लाई। कमेटी वालों को मैं पेश करता हूँ हुजूर एक शेर अपनी कौम के हवाले से, देखेगा बतौर खास। अब कुछ काम की बात हो रही है। गलत रवि से हुकूमत गुरेज करने लगे, गलत रवि से हुकूमत गुरेज करने लगे, गलत रवि से हुकूमत गुरेज करने लगे, तमाम कौम अगर यक जबान हो जा, तमाम कौम अगर यक जबान हो जाए, तो ये जमीन, तो ये जमीन अभी आसमान हो जाए, तो ये जमीन। आइए एक फरमाइश और है, जल्दी जल्दी से पढ़ दूं हजरत की दुआ पे उनकी तकरीर के
جملوں سے اختتام ہوگا. چند شعر ہیں جو میں پیش کرتا ہوں نعت پاک کے. کئی مرتبہ مجھے مدینہ شریف جانے کا اتفاق ہوا ہے اور سرکار کے روضے کے سامنے نعت پاک پڑھنے کا موقع ملا ہے. بہت آہستہ آہستہ وہاں گفتگو بھی کی جاتی ہے اور بہت آہستہ آہستہ سے سرکار کی نعت پڑھی جاتی ہے. مگر میں پڑھ رہا تھا, ایک دیوانے کو کون روک سکتا ہے؟ کیا تھے نعت, میں مطلب پیش کرتا ہوں.